दुनिया इस वक्त एक गहरे एकांतवास में है। एकांतवास यानी क्वारंटाइन। भारत में दुनिया की 18% आबादी एकांतवास में है। हम पिछले 20 साल में 5 महामारियों से युद्ध कर चुके हैं और अभी भी हमें लगता है कि हम एक भयंकर युद्ध के समय में जी रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में आप जानते हैं कि सेनाएं स्पष्ट थीं, शत्रु भी स्पष्ट थे। आज भी शत्रु एकदम स्पष्ट है, लेकिन वह सेना के रूप में नहीं है। वह एक सजीव नहीं है, वह एक निर्जीव कण है, वह एक अदृश्य शत्रु है। हम इसे युद्ध नहीं कर सकते, ये एक बचाव का युद्ध है, युद्ध नहीं है। लेकिन इस वक्त में जब दुनिया की भारत में रहने वाली 18% आबादी एकांतवास में है, हम इसे एक डिफिकल्ट वक्त कह सकते हैं, कठिन वक्त कह सकते हैं। जब इस देश के लोगों के सामने अच्छा वक्त होता है तो वे उसे उल्लास और उत्सव धर्मिता के साथ मनाते हैं, उमंग के साथ मनाते हैं। लेकिन जब देश के सामने एक चुनौतीपूर्ण और कठिन वक्त है तो इस देश के सामने, इस देश के लोगों में ज्यादा उद्यमशीलता बढ़ती है, ज्यादा प्रयत्नशीलता बढ़ती है। इस देश के लोग ज्यादा अनुशासित होते हैं, ज्यादा कर्मठ होते हैं और ज्यादा नतीजे देने वाले होते हैं। तो हमारे लिए एक बुरे वक्त के बरक्स ये एक अपने आप को पहचानने, जानने और परीक्षण करने का भी वक्त है। दरअसल आप दुनिया भर के कोरोना के संक्रमित मरीजों के आंकड़े और मृत्यु के आंकड़ों से भारत के मृत्यु के आंकड़े और संक्रमित मरीजों के आंकड़ों की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि इस देश के लोगों में प्रतिरोधी क्षमता ज्यादा है। वे इस महामारी का मुकाबला बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जब दुनिया 30,000 से ज्यादा लाशों को लेकर जी रही है, तब हमारे यहां मृत्यु दर सिर्फ 150 के आसपास है। हमारे संक्रमित लोग 5,000 के आसपास हैं, जबकि दुनिया में दूसरे देशों में संक्रमित मरीजों की संख्या लाखों में जा पहुंची है। इस वक्त में हमें अपनी समीक्षा करनी चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि दरअसल इस लड़ाई के टूल्स क्या हैं, ये लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधनों में बार बार हाथ जोड़कर पूरे देश से विनती की है कि आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरियों का पालन करें। इस देश के लोगों से गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारी सरकार का पराक्रम और उसके एफर्ट आप देखिए कि इस कठिन वक्त में जब दुनिया लाखों लाशों को अपने कंधे पर लेकर बैठी है, तब सरकार ने मार्च के महीने से शुरू की इस लड़ाई को किस अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन हमें अपनी गंभीरता को नहीं खोना है, क्योंकि एक लड़ाई गंभीरता मांगती है, अभी गहरा एकांतवास मांगती है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों से, कुछ समूहों से गलतियां हुई हैं। ये किसी कौम विशेष, समुदाय विशेष, संप्रदाय विशेष को कोसने का वक्त नहीं है, उनकी आलोचना करने का वक्त नहीं है,
क्योंकि ऐसी बातों से हमारे देश की सामूहिकता को धक्का लगता है। लेकिन हमको अपनी गलतियों की समीक्षा करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल हों या होम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी पुण्य शलिला श्रीवास्तव हों, कई मौकों पर रोज कह चुके हैं कि हमारे देश की जनता से कुछ समूहों से गलतियां हुई हैं। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मामला आप ले लीजिए। जब संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया, उसके दो दिन बाद भारत ने इसे एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित कर दिया था, और उसी वक्त निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज में जमातें इकट्ठी हो रही थी। 22 देशों से जमातें आई थी, हजारों लोग थे। दिल्ली पुलिस 13 मार्च से उनको लगातार समझा रही थी कि इस मरकज को खाली करना होगा, यहां से जाना होगा। उन्होंने ये बात मानी भी, लेकिन उनसे गलतियां कहां हुई, हम उन गलतियों पर चर्चा करेंगे। जब 13 मार्च से 19 मार्च के बीच में देश की 5 प्रमुख ट्रेनों से उन्होंने अपने जमातियों को 22 राज्यों के लिए रवाना किया, तो उससे पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग नहीं कराई गई, उससे पहले उनकी कोई जांच नहीं कराई गई। दूसरा, इतने सारे जमाती पूरे देश भर में जाने के बाद भी मरकज में लगभग 3000 से ज्यादा जमाती रुके हुए थे। 23 मार्च को 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद इन जमातियों को निकाला गया, लेकिन तब तक हालत खराब हो चुकी थी। खुद दिल्ली सरकार का आंकड़ा है कि 500 से ज्यादा लोगों में जो संक्रमण हुआ उसमें 350 से ज्यादा लोग जमाती हैं। तो न इन जमातियों की जांच करवाई गई, न इनकी थर्मल स्कैनिंग कराई गई। तीसरी गलती, ये सारे जमाती 22 राज्यों में जाकर अपने अपने धर्मस्थलों में चले गए, लेकिन इन्होंने वहां की राज्य सरकारों, वहां के जिला प्रशासन, इन तक को यह सूचना देना जरूरी नहीं समझा कि हमारी जांच कर ली जाए, हमें थर्मल स्कैन कर लिया जाए। लिहाजा राज्य सरकारों की पुलिस को इनके धर्म स्थलों में जाकर इनको तलाशना पड़ा। पूरे देश में एक मेगा सर्च ऑपरेशन हुआ। 22 राज्यों की पुलिस, मेडिकल टीमें, प्रशासन की टीमें इनको ढूंढने निकल पड़ी। रेलवे ने एक महाअभियान चलाया कि जिन 5 ट्रेनों से ये लोग गए थे 22 राज्यों में, हर ट्रेन में लगभग 700 से 800 लोग होते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाई गई, उनको तलाशा गया। चौथी गलती, क्या इन जमातियों को 22 राज्यों के अपने धर्म स्थलों पर छिपकर बैठ जाना चाहिए था? मुझे लगता है नहीं, इनको बाहर आना चाहिए था। इनको वहां के जिला प्रशासन, राज्य शासन से संवाद बनाना चाहिए था। और जब आपने ये सब नहीं किया, तब क्या करना चाहिए था? तब जब राज्य प्रशासन की टीमें, जिला प्रशासन की टीमें आपके पास आ रही हैं, तो आपको बाकायदा अपना चेकअप कराना चाहिए था, अपनी स्कैनिंग करानी चाहिए थी। लेकिन इन जमातियों ने, इस जमात के लोगों ने यह भी नहीं किया। बार बार पुलिस टीम पर हमले किए। अहमदाबाद में आपने हमला देखा होगा, इंदौर में आपने हमला देखा होगा, भोपाल में आपने हमला देखा होगा। ये जमात और इससे जुड़े लोग जो लगभग ये मान रहे थे कि उनको पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें बेजा परेशान कर रही हैं, वे ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई ये थी और ये है कि हमको उनका भी जीवन बचाना है, वो भी हमारे देशवासी हैं। लेकिन उनको अपने देशवासियों का कर्तव्य, उनके संकल्प, उनकी एकता और भारत की सामूहिकता में विश्वास प्रकट करना चाहिए, जो कि शायद वो करना भूल गए। और यही सबसे बड़ी गलती
इस महामारी का बड़े होने का कारण बनी। आज इस देश में जब 5000 से ज्यादा संक्रमित लोग हैं तो उसमें 2000 से ज्यादा जमात के लोग हैं। सोचिए, जमात के लोग यदि समझदारी दिखाते, और शायद ये मुझे नहीं लगता कि जानबूझकर किया गया है, हो सकता है उनसे अनजाने में हुआ हो, लेकिन एक बड़ी गलती तो हो गई है। यदि 2000 जमाती संक्रमित नहीं होते तो आज हमारे रजिस्टर में 3000 की गिनती होती, और आज हम 14 अप्रैल को जो लॉकडाउन खुलना चाहिए था वो खोलने की स्थिति में होते। लेकिन देश में अब जबकि 22 राज्यों में ये सारे लोग फैल चुके हैं और इनसे संपर्क में आने वाले लोग भी संक्रमित हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की पहचान बाकी है, बहुत सारे लोग पहचान छिपाकर बैठे हैं, बहुत सारे लोग सामने आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये तो संक्रमण के आधार पर हम सरकार तय करेगी। लेकिन यदि सोचिए 3000 संक्रमित होते तो हम इस लड़ाई को बहुत पहले जीत चुके होते, लेकिन ये लड़ाई अब लंबी हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये जून तक जाएगी। और इस समय जबकि हमारा देश युवा है, उद्यमशील है, उसके काम करने का वक्त है, वो युवा घर में एकांतवास में बैठा है। सोचिए उनको हमने कैसी सजा दे दी, हमने अपने समाज को कैसी सजा दे दी, हमने इस देश को कैसी सजा दे दी। लेकिन इस सजा से भी हम बाहर निकलेंगे, हमारे देशवासी बाहर निकलेंगे। प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू के दौरान जो थाली बजवाने और ताली बजाने के लिए कोरोना कमांडो को सैल्यूट करने का एक पैगाम पूरे देश को दिया था, देश ने उसे मानते हुए हमारे सारे योद्धाओं को सलाम किया है, सारे योद्धाओं का नमन किया है। और 5 अप्रैल को जो दिया जलाने की बात थी, फ्लैश लाइट चमकाने की बात थी, टॉर्च दिखाने की बात थी, देश ने उसका भी पूरा पालन किया है। लेकिन हमको इस महामारी के दौरान दूसरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आईबी की रिपोर्टों से खुलासा हो गया है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री ने सबको जनता की जनशक्ति के जागरण के प्रतीक के रूप में दिए जलाने की अपील की, तब सीमा पार बैठे पाकिस्तान में आईएसआई और आईएसआईएस ने 60,000 टिकटॉक के वीडियो अपलोड कर दिए थे। उन्होंने यह अफवाह फैलाने की कोशिश की कि यदि दिए जलाने का कार्यक्रम होता है और बत्ती बुझाने का कार्यक्रम होता है तो देश का पावर ग्रिड फेल हो जाएगा, लेकिन आप सबने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, पावर ग्रिड फेल नहीं हुआ। भारत ने अपनी राष्ट्रीय चेतना और एकता और संकल्प के दिए पूरी ताकत से जलाए, और इस रोशनी में हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना का अंधेरा खत्म हो जाएगा। मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं आपसे, हमारे यहां एक बड़ी मंदी का संकट भी है। भारत ने 2 दशक में 2 बड़ी मंदियां देखी हैं, एक 2008 और 2009 में, और अब फिर ये मंदी का दौर। हम बार बार अपनी उद्यमशीलता के बावजूद, अपनी ताकत के बावजूद, अपनी प्रतिभा के बावजूद, हम बार बार दुनिया द्वारा फंसाए जाते हैं। अमेरिका के शेयर बाजारों में गिरावट आती है, अमेरिका में मंदी आती है तो भारत पर असर पड़ता है। भारत इस समय $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है, लेकिन हम मंदी की चपेट में हैं, क्योंकि दुनिया के देश, दुनिया के मुल्क मंदी की चपेट में हैं। भारत सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को जीवंत करने के लिए, उसको ऑक्सीजन देने के लिए बेलआउट पैकेज दिए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट ही रही थी,
लेकिन तभी ये महामारी आ गई। हमें नहीं मालूम कि ये वायरस हम पर दागा गया है या नहीं दागा गया है। हमें नहीं मालूम कि ये कोई किसी रासायनिक युद्ध का पूर्वाभ्यास है या नहीं है। लेकिन हम दुनिया के सामने, दुनिया के मुल्कों के सामने एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। भारत सरकार ने $1.5 trillion की मदद खोल दी है और वो अमेरिका जो सुपर पावर है उसने अपने मुल्क के लिए $2 trillion की मदद खोली है। सोचिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से ठीक कर पाएंगे इस समय जबकि पूरी दुनिया में सैलरी कटौती लगातार हो रही है, हमारे देश में भी सैलरी कटौती लगातार हो रही है, नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, मजदूर पलायन कर गए हैं। ऐसे में हम किस अर्थव्यवस्था की कल्पना करते हैं? तो मैं समझता हूं कि हम एकदम ठीक दिशा में जा रहे हैं। आपको लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी लड़बड़ा गई है, हमारी अर्थव्यवस्था भी झरझर हो गई है, हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस मंदी ने, इस महामारी ने इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश की इकोनॉमी में, इस देश की युवाओं में, इस देश की उद्यमशीलता में, इस देश की प्रतिशीलता में और इस देश की कर्मठता में एक भूख को भर दिया है, एक एनर्जी को भर दिया है, एक हूक को भर दिया है। ये भूख ही हमारी अर्थव्यवस्था को देखेगा पिछले एक साल में कहां ले जाएगी। ये अर्थव्यवस्था इस महामारी के बाद, इस मंदी के बाद अंगड़ाई लेकर खड़ी होगी और हम $5 trillion की इकोनॉमी से ऊपर जा चुके होंगे। तो दोस्तों हमें इस बचाव के युद्ध में बहुत कुछ बचाना है। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है, हमारी जिंदगी, हमारी जीवन शैली, हमारा देश, हमारे लोग, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे क्योंकि हम कभी खत्म नहीं हुए। हजारों साल के हमारे ऊपर आक्रांताओं ने हमले किए लेकिन हम खत्म नहीं हुए। पिछले 20 सालों में हमने 5 महामारियों का मुकाबला किया लेकिन हम खत्म नहीं हुए और कोरोना से जंग भी हम जीतेंगे क्योंकि इस देशवासियों की इच्छा शक्ति, इस देशवासियों की जिजीविषा, इस देशवासियों की प्रतिशीलता, इस देशवासियों के एफर्ट इतने ताकतवान और सामर्थ्यवान है कि हमें कोरोना क्या कोई भी वायरस नहीं हरा सकता। आज हमको इस महामारी के जरिए यह भी मालूम पड़ा कि हमारी कमियां क्या है। हमारे देश में एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के इंतजाम होना बहुत जरूरी है। यदि चीन इस महामारी पर काबू पा सका है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि वहां जांचों की संख्या लगातार बढ़ती रही। हमारे देश में ही राजस्थान का भीलवाड़ा देखिए, भीलवाड़ा भी सिर्फ इस महामारी से इसलिए जीत पाया कि उन्होंने जांचों की संख्या बढ़ा दी थी। छत्तीसगढ़ राज्य भी इसलिए जीत पाया कि वहां जांचों की संख्या बढ़ गई थी। लेकिन हम हमारे कलेक्टिव रूप से देखें तो एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था, मेडिकल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जहां हमें परीक्षण किट, स्वास्थ्य यंत्र, मास्क, ट्यूब रोप्स, थर्मामीटर, हजमेट सूट्स और हमारे मेडिकल वर्कर, ये हमको तैयार करने पड़ेंगे। अभी हमने जब देखा कि जब दुनिया में वेंटिलेटर की मांग बढ़ी तो अमेरिका ने वेंटिलेटर बनवाने शुरू कर दिए, चीन ने अपने वेंटिलेटर बनवाना शुरू कर दिए, तब हमारे यहां वेंटिलेटर की संख्या 40,000 थी, मास्क की उपलब्धता कम थी। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान दिया
और दो कंपनियों को, ऑटो कंपनियों को वेंटिलेटर और मास्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। कल तक इस देश में रैपिड जांच किट आ जाएंगी, इनसे ढाई घंटे में पता लग जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं है। कुल मिलाकर इस पूरे पिक्चर से हमको यह मालूम पड़ता है कि हमको अपने मेडिकल ट्रीटमेंट सिस्टम की एक सुदृढ़ श्रृंखला बनानी पड़ेगी, सुदृढ़ चेन बनानी पड़ेगी, ताकि हमको जब जरूरत पड़े तो अस्पतालों के लिए, क्वारंटाइन के लिए स्कूल न लेना पड़े, निजी अस्पताल न लेना पड़े, धर्मशालाएं न लेना पड़े, मॉल्स न लेना पड़े। यदि ऐसा होता है और एक सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था बनती है तो मुझे लगता है कि हम आने वाली भविष्य की चुनौतियों से जूझ पाएंगे, लड़ पाएंगे। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि हम एक वैश्विक ताकत बनने की ओर अग्रसर हैं, तो मुझे लगता है कि इस ओर, इस क्षेत्र में किया गया हमारा कदम, बढ़ाया गया कदम हमको उस ओर ले जाएगा जो बनने के लिए हम सपने देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे संकट के दौरान हमें यह भी सोचना होगा कि आखिर लॉकडाउन के बाद क्या, लॉकडाउन कैसे खुलेगा। लेकिन हम 21 दिन तक तो जिस अनुशासन और जिस एकांतवास में रहे, 21 दिन के बाद भी हमको इस अनुशासन और एकांतवास को बना के रखना होगा। अब सबसे बड़ी चुनौती लॉकडाउन के बाद सड़कों पर आ जाने वाली भीड़ है। इस मॉब या क्राउड मैनेजमेंट पर हमको ध्यान देना होगा। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही हैं, इस पर रणनीति बना रही हैं, लेकिन देशवासी होने के नाते, एक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि जब भी लॉकडाउन खुले, चरणबद्ध तरीके से खुले, ग्रेजुअली खुले, फेज वाइज खुले, लेकिन हमको सड़कों पर नहीं उतरना है। हमको अपना अनुशासन बनाकर रखना है, हमको अपनी प्रतिबद्धता बनाकर रखनी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खुलने के बाद हम सड़कों पर आ जाएं और सरकार फिर से दूसरे फेज का लॉकडाउन घोषित कर दे। तो हमको इस खतरे से भी सावधान रहना पड़ेगा, आगाह रहना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।